पीटीआई ने 2008 से 2013 के दौरान 15 बैंक अकाउंट्स और 31 करोड़ से जायद की फंडिंग जाहिर नहीं की। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी रिपोर्ट में तफसीलात सामने आ गए। फवाद चौधरी कहते हैं पीटीआई के 26 में से 8 अकाउंट्स फाल हैं, 4 अकाउंट से ला ताल्लुकी का इजहार किया। नवाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नून लीग का अकाउंट इस्तेमाल किया। दूसरों पर चोरी के इल्जाम लगाने वाले की जब अपनी तलाशी ली गई तो बाल बाल चोरी में डूबा निकला। मरियम नवाज का ट्वीट, लिखा इमरान खान ने न सिर्फ चोरी की और छुपाई बल्कि अवाम की मेहनत और खून पसीने की कमाई पर ऐश किया। सबूतों के अंबार पूरी पीटीआई को फारिग करने के लिए काफी हैं। इतने संगीन फ्रॉड और स्कैंडल किसी जमात के नहीं आए। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। यास्मीन राशिद ने खुद को क्वारंटीन कर लिया। उन्होंने आज महकमा सेहत के इजलासों में शिरकत की थी। और सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ कराची में जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज भी जारी। पीएसपी रहनुमा अरशद वोहरा की धरने में शिरकत। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बारिश हो या सर्दी धरना जारी रहेगा।